हेलो सेकंड क्लास, कैसे हो बच्चों? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था चालाक चूजे। तो इसमें देखा था ना, चूजे कितने चालाक थे। जब उनकी माँ ने कहा कि कोई भी अनजान आए, कोई भी आपको खतरनाक लगे, उसके आगे दरवाज़ा नहीं खोलना, उससे किसी तरह की कोई बात नहीं करना, उससे कोई चीज़ लेना नहीं, ऐसा कहा समझाया था। और उन्होंने भी ऐसे ही कहा कि नहीं मौसी, आप छोटू मामा से, यानी उनके लिए ख़तरनाक कौन था? कुत्ता था, उनसे मिल के जाना। तो ऐसे करके उन्होंने अपने आप को बचा लिया था, उन्होंने अपनी माँ का कहा मान करके अपने आप को बचा लिया था। तो इसी तरह हमें भी अपने से बड़ों का कहना मानना चाहिए और उनके कहे हुए कार्य को ध्यान से सुनना चाहिए। अब हम इसके आगे के अभ्यास को करते हैं, ठीक है। पहला है उच्चारण, मौखिक ओरल करना, ठीक है ना। जैसे बिल्ली, बाजार, जहाँ सामान मिलता है ना बाजार, आवाज़, आवाज़ जो हम बोलते हैं वो आवाज़, खिलखिलाकर, खूब ज़्यादा खुश होकर। लड्डू, लड्डू तो सबको पसंद है ना, सब खाते हो ना लड्डू। भोजन, खाना जो हम सुबह शाम दोपहर खाते हैं ना, वो होता है भोजन। तरकारी, सब्जियों को कहते हैं ना तरकारी। दरवाज़ा, दरवाज़ा गेट। खतरनाक, डेंजर, जो हमारे लिए खतरा हो, जिससे हमारे लिए खतरा हो, होता है खतरनाक। ऊंचा, ऊंचा हाई, हाइट में लंबा हो ना, बड़ा हो ना, ऊंचा, वो होता है ऊंचा। फिर है सोच समझकर बताइए, सोच समझकर बताइए। खतरनाक का अर्थ क्या है? खतरनाक का अर्थ है जिससे हमें खतरा हो। काली बिल्ली खतरनाक क्यों है? क्योंकि वो छोटे चूजों को खा जाती है। बिल्ली किसको खतरनाक मानती है? बिल्ली कुत्ते को खतरनाक मानती है। सयाना किसे कहते हैं? जो समझदार हो, जो बात को समझे, बात को ध्यान से सुने, वो होता है सयाना। फिर है लिखित में, सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाइए। बाहर बिल्ली घूमती है, कैसी बिल्ली घूमती है? लाल बिल्ली घूमती है? नहीं। काली बिल्ली घूमती है? जी हाँ। भूरी बिल्ली घूमती है? नहीं। तो सही क्या था? काली बिल्ली। तो हमने काली के आगे राइट का चिन्ह लगाया। को सब्जी लेने बाजार जाना था, किसको सब्जी लेने बाजार जाना था? चिड़िया को? नहीं। बिल्ली को? नहीं। तो मुर्गी को सब्जी लेने जाना था। इसी तरह आगे है, बाजार चली गई, कौन चली गई बाजार? मुर्गी चली गई, मैना चली गई या बिल्ली चली गई? कौन चली गई? मुर्गी चली गई भाई, बाजार मुर्गी को सब जाना था सब्जी लेने के लिए, तो मुर्गी चली गई। फिर है बिल्ली को खतरनाक मानती है, किसको खतरनाक मानती है बिल्ली? गिद्दड़ को, शेर को, कुत्ते को? किसको खतरनाक मानती है? कुत्ते को। तो ये हमने इस पर चिन्ह लगा दिए, जो राइट है उसके आगे राइट का चिन्ह लगाना है। फिर आगे है रिक्त स्थान भरिए। अब जो ये दिए हुए हैं ना, मौसी, मुर्गी, दरवाज़ा, खतरनाक, हमें इनको इन जगहों पर भरना है, सही जगह पर सही चीज़ रखनी है, ठीक है। मेरे जाने के बाद मत खोलना, क्या नहीं खोलना? बिल्ली ने क्या कहा था? मेरे जाने के बाद मत खोलना क्या? दरवाज़ा मत खोलना। यहाँ पे क्या आएगा? दरवाज़ा, दरवाज़ा मत खोलना। बिल्ली कुत्ते को मानती थी, क्या मानती थी बिल्ली कुत्ते को? खतरनाक, क्या मानती थी? खतरनाक, जिससे खतरा हो, खतरनाक। बिल्ली कुत्ते को खतरनाक मानती थी। फिर है के जाते ही काली बिल्ली वहाँ आ गई, किसके जाते ही? मुर्गी के। किसके जाते ही? मुर्गी के जाते ही काली बिल्ली वहाँ आ गई, ठीक है। फिर आगे है, मैं तुम्हारी प्यारी हूँ, क्या हूँ? प्यारी। मौसी, क्या हूँ? प्यारी मौसी हूँ। किसने कहा था? बिल्ली ने कहा था कि मैं तुम्हारी प्यारी मौसी हूँ। इसी तरह फिर हम आगे बढ़ते हैं, सही वाक्य पर राइट और गलत वाक्य पर रॉन्ग का चिन्ह लगाइए, ओके। तो पहले है, बिल्ली के लिए ऊँट खतरनाक है? नहीं, बिल्ली के लिए तो कुत्ता खतरनाक है। बिल्ली दिल्ली से लड्डू लाई थी, वो कह रही थी ना कि लड्डू लाई हूँ, हाँ वो कह रही थी कि लड्डू लाई। जिससे खतरा न हो वह खतरनाक होता? जी नहीं, जिससे खतरा हो वह खतरनाक होता है। मुर्गी सब्जी लेने बाजार गई थी, हाँ मुर्गी सब्जी लेने बाजार गई थी। तो ये हमने राइट और रॉन्ग के
चिन्ह लगा दिए हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो मुर्गी को कहाँ और क्यों जाना था? मुर्गी को कहाँ जाना था? बाजार। क्यों जाना था? सब्जी लेने। क्यों जाना था? सब्जी लेने। ठीक है, फिर है मुर्गी के जाते ही वहाँ कौन आया? कौन आया वहाँ पे? काली बिल्ली। कौन आया? काली बिल्ली। फिर है बिल्ली क्यों भाग गई? उसने छोटू मामा का नाम सुना था। छोटू मामा कौन? छोटू मामा का नाम सुना था। छोटू मामा कौन था? कुत्ता। छोटू मामा कौन था? कुत्ता। ठीक है, इस तरह से इनको पूरा करना है। फिर है व्याकरण ज्ञान। ठीक है, निम्नलिखित शब्द दिए गए शब्दों में के विलोम शब्द लिखिए। विलोम पता है ना आपको, अपोजिट लिखना है। जैसे दिए गए शब्दों में क्या दिया हुआ है? पास। पास का हो जाएगा दूर। छोटा, बड़ा। जैसे मैं छोटा भाई हूँ, वो मेरा बड़ा भाई है, तो हो गया ना अपोजिट। बाहर, अंदर। ऐसे कहते हैं बाहर नहीं जाना, अंदर रहना। रात, दिन। रात का अपोजिट हो गया दिन। फिर है काली। काली का अपोजिट हो गया सफ़ेद। एक काली बिल्ली घूम रही है, एक सफ़ेद बिल्ली घूम रही है। काली का अपोजिट क्या हो गया? सफ़ेद। फिर है हंसना। हंसना का अपोजिट हुआ रोना। हंसना का अपोजिट हो गया रोना। तो इस तरह से हमको इनको पूरा करना है। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा है? फिर आगे दिया हुआ है क्रियाकलाप। वर्ग पहली में से जानवरों के नाम छांट कर लिखने हैं। तो कहानी में, इसमें कहानी में जानवरों के नाम आए थे, चूजा, कुत्ता, बिल्ली। तो इसमें भी कुछ ऐसे जानवरों के नाम हैं जो हमें छांट करके लिखने हैं। जैसे पहला है कुत्ता, दूसरा है घोड़ा, है ना। फिर तीसरा है लोमड़ी, चौथा है बिल्ली, है ना, हाथी, शेर। हो गए ना, एक दो तीन चार पाँच छः नाम हो गए। और इसमें छः के छः नाम लिखने हैं हमें। यहाँ पे हम लिखेंगे बिल्ली, है ना, फिर कुत्ता, शेर, है ना, इस तरह से हाथी, घोड़ा, लोमड़ी, ये भी हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा ये अभ्यास पूरा हो गया। अब इसमें हमने कितने जानवरों के नाम देखे? मुर्गी, चूजे, बिल्ली, कुत्ते। तो ऐसे ही आप भी किसी और जानवर के बारे में जानते हो तो उनके बारे में हमें बताना। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया सारा? अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।